डांस के लिए रेडी हो? आइए मैम. थैंक यू. ऑल द बेस्ट बेटा. मम्मी पापा अपने तरफ से बहुत मेहनत करते, मुझसे ये देखा नहीं जाता. उनको एक बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ. क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी? अरे बाप रे, छोड़ गया. कैसे जिएंगे हम? तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा. ओ माय गॉड, जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा. ओहो! आहा, क्या बात है? माइंड ब्लोइंग. बहुत अच्छा, मजा आ गया. धर्मेंद्र जी, आपके साथ कोई आए हैं? मम्मी पापा. नमस्ते सर. नमस्ते मैम. आइए प्लीज. नमस्ते. धर्मेंद्र, जितने कंटेम्प्रेरीज मैंने देखे हैं, शायद सबसे ज्यादा आपका कंटेम्प्रेरी एक्ट है जो दिल को छुआ है. थैंक यू मैम. और सर मैम, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या करते हैं सर आप? चप्पल का काम करता हूं, मोची काम. अच्छा, और आप काम करती हैं, घर संभालती? कभी बर्तन मांजने के लिए जाती है बंगले में, कभी घर का ही करती है, ऐसा करती है. सर, आपका भी तो दिल बहुत बड़ा है, मैम का भी दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके घर में इतनी तकलीफ होने के बावजूद आप बजाय इसके जो दूसरे परिवार करते हैं, कभी कभी अपने बच्चों को भी इस उम्र में काम पे लगा लेते हैं, आप उसको अपना सपना पूरा करने दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है. ये तो मैंने सपने में नहीं सोचा कि भाई ये मेरा लड़का इधर ला के आपका दर्शन कराएगा, ऐसा नहीं सोचा मैंने कभी.
मम्मी से बात करें जरा। मम्मी को मारवाड़ी आती है सर। तो मारवाड़ी सुनते क्या हुआ? समझ में आ जाता है, मारवाड़ी में बोलिए। थे किकड़ हूं। क्यों बड़ी बड़ी लड़कियां हैं हमारे, उसकी भी शादी करनी है। अभी पैसा नहीं है तो शादी जैसा, शादी जैसी हो गई तो अब करे क्या। दो बेटी दोनों भी उम्र लायक हो गई है। हमारे समाज में उम्र लायक होने के बाद में टोकने लग जाते कि आज देखो इनकी बड़ी बड़ी बेटी हो गई, आज घर में लेके बैठे ये लोग, ये इनको कब शादी करेगा। पर मेरे पास शादी के लिए पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे इनकी शादी कर पाऊंगा। अभी फोन आएगा, धर्मेंद्र की बहन कौन है? हाँ सबका नजरिया बदल जाएगा। अब रिश्ते सामने से आएंगे। क्या सपने हैं बेटा धर्मेंद्र आपके? मैं मेरे मम्मी पापा को बड़े लोग नहीं कपड़े पहनते ऐसे घर में रहते, मैं उनको ऐसा देखना चाहता हूँ। सपनों का बादल तुझे बुलाए। मंच पे ना बड़े बड़े सपने साकार होते हुए देखे, बहुत बड़े बड़े सपने साकार होते हुए। और धर्मेंद्र आपके भी सपने जो है ना, आपके परिवार का सपना यहाँ पे जरूर साकार होगा। अब तो दिन बदल गया आपके घर के धर्मेंद्र, आप इस मंच पे आ गए हो। अभी लगन से जम के डांस करो और आपके घर पे तो नचपन का त्योहार अभी आ गया, पूरे साल चलेगा। थैंक यू। बंद कर दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। अरे नहीं 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 नहीं, आप दिख रहे हो मुझे ऑल सेट रेडी। एंड रोल साउंड। सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा। आपका नाम बताइए। ध्वनित सोनी। ध्वनित लीवर आगे करता। ध्वनित नाम में कितना रिदम है ना। ध्वनित वाह कमाल, क्या सेंस ऑफ रिदम है आपकी, एक सिंगल बीट मिस नहीं किया आपने। भगवान ने आपको नचपन का टीका लगा के भेजा हुआ है नीचे। थैंक यू मैम। मेरे लिए थैंक यू मैम। ध्वनित कुछ मूव्स आपके बहुत अच्छे थे, आपका फेवरेट मूव कौन सा है? मेरा जीभ वाला। मुझे वो थ्रोट वाला अच्छा लगा। तेरे बिना गुजारा। थैंक यू। किसके साथ आए? मैं, मेरी मम्मी और बड़ी मम्मी। मम्मी और बड़ी मम्मी।
लेकिन अच्छा? दोनों मम्मी बहुत अच्छा, छोटी ये मम्मी बड़ी मम्मी दोनों, हाँ मतलब तो सीता गीत आइए ना आप लोग स्टेज पर आइए। साथ में कैसे रहूं साथ में? भरपाई करके आए गुलाब जामुन और रसगुल्ले का। हाँ, अभी मैं खा सकता हूँ, दुबला हो गया हूँ 4 किलो। द्वानित, जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नचपन का त्योहार, हाँ। उसमें आपने हिस्सा लेकर हमें खुश कर दिया है, तो उस खुशी के नाते ये आपका हक बनता ही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.